जय माता दी भक्तों। तो हमने अपना सामान क्लॉक रूम से ले लिया है और अब हम चढ़ाई शुरू कर रहे हैं अर्धकुमारी से भवन तक की। तो हम इस वाले रास्ते से जाएंगे वे टू भवन जो ये सामने है, अभी आपको दिखाते हैं। ये रास्ता इधर जा रहा है हत्तीमत्था से, इसको हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत हार्ड रास्ता है, बच्चे हमारे साथ है, भारी भारी बैग है। तो चले जी अब निकलते हैं, आपको दिखाते हैं नीचे का नज़ारा। अभी माता श्री भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही है, सभी हम साथ साथ चल रहे हैं। दिव्या देखने आई है अम्मा को। चलो भाई देखो माता रानी का कितना सुनहरा दृश्य है। तो भक्त ये वाली गुफा है जो कि इस आंगन में आप सामने देख सकते हैं, इसी को पार करते हुए हम जाएंगे माता रानी भवन पे। लो जी ये रही गुफा, मतलब ये शॉर्टकट रास्ता है, इसको हम पार करके निकल जाएंगे दूसरे भवन के रास्ते पे, नए वाले पे। जय माता दी भक्तों, 12:45 हो चुके हैं और हमने अर्धकुमारी से जो है यात्रा शुरू कर दी है भवन के लिए। तो सभी धीरे धीरे जा रहे हैं लेकिन जयकारा कोई नहीं बोल रहा है। जय माता की, जय माता की। तो भाई यहाँ से तो थोड़ा ढाल है, बढ़िया है, बाकी देखते हैं आगे। तो हम नए वाले रास्ते से आ रहे हैं, मतलब ये उसी टाइम पे सेकंड रास्ता बना था, हत्तीमत्थे वाला हमने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे तो भयंकर चढ़ाई है। तो चलो जी मिलते रहेंगे आपको हम नए नए अपडेट्स के साथ। जय माता की। हाँ ये नया रास्ता है, हाँ नीचे मिल जा जाकर, खुला मेरा हॉटस्पॉट, फोटो भेज देना यार, चला जी भी देंगे। तो भक्तों ढाल जो है ख़त्म हो चुका है, अब चढ़ चुके हैं यहाँ से चढ़ाई, माता रानी के भजन चल ही रहे हैं लगातार। और ये देखो पलगार खै लोहे का जाल जिससे पत्थर वगैरह ना गिरे नीचे। तो यहाँ पे आके जो है भाई आप देख सकते हैं अर्धकुमारी का रास्ता ये है, इधर हमें जाना है भवन के रास्ते पे सीधा, और ये इधर नीचे से नए रास्ते आ रहे हैं जो कटर से होते आते हैं। तो चलो जी जय माता की। यहाँ पर रही कुछ आवश्यक सूचना, चलो जय माता की। तो ये देखिए भक्तों माथे पर पसीना है, इसका कारण यह है कि मैं दक्की और ये दोनों बैग उठा के लगातार चला आ रहा हूँ अर्धकुमारी से। तो यहाँ पे आके थोड़ा स्टे किया है, अभी घर वालों का वेट कर रहे हैं, वो शायद थोड़ा पीछे हैं, दक्की बैठ गया है यहाँ पे, दक्की रेस्ट कर रहा है हमारे साथ। और बस हम भी थोड़ा रेस्ट करके फिर निकल लेंगे जैसे घर वाले पीछे से आएंगे। चलो आपको मैं आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो जी माता रानी के भजन चल रहे हैं पूरे रास्ते में, ये आ गए एक भगत संजय राम। बाकी घर वाले भी पीछे आ रहे हैं और ठीक है, भीड़ है थोड़ी बहुत ही। तो भाई बाकी भक्तजन भी आ गए हैं धीरे धीरे पीछे पीछे चल के, बस अब हम फिर दोबारा से यहाँ से निकल लेंगे। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। भवन रह गया 2.75 किलोमीटर जो भी है, 3.25 किलोमीटर भवन है। और भाई हम चल ही रहे हैं। और डक्की को हमने जो है अभी डिस्पेंसरी में दिखाया था, चलो उसकी कहानी आपको बाद में बताते हैं। ये देखिए डक्की मेरे कंधे पे बैठा आ रहा है अर्धकुमारी से। तो हम ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं भाई। जय माता दी, जय माता दी। भाई चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जयकारा बोल बोल के। 3 किलोमीटर रह गया भवन, जय माता की। और भाई डक्की सो चुका है, ये देखिए कंधे पे बैठे बैठे, क्योंकि रात इसको नींद नहीं आई अच्छी तरह, अब ये सो गया। तो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं हम ऐसे ही। ये देखो सो रहा है भाई साहब डक्की राजा, और उसके मम्मी पीछे आ रही है, हेलीकॉप्टर जो है बड़ी स्पीड से भाग रहा है भाई यहाँ पे, तो वो देखे वो जा रहा है। जय माता दी। पाले जी बिस्किट खा लो भक्तो, पाले जी बिस्किट खा लो। वो तो अलग थलग है मारता ओ मुने से। जय माता की, जय माता की। तो सालिंदा सारा नहीं बिस्कुट सुखे बढ़िया। जय माता की दोस्तों। तो भवन के हमें जो है पहले दर्शन हो चुके हैं, सामने दिख रहा है भवन। जय माता की। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं लगभग। तो ये रहा यहाँ पे माता रानी वैष्णो देवी का भवन, अभी हमारे साथ ही पीछे हैं, सबसे पहले दर्शन हमने किए मैंने और दक्ष ने। जय माता की। भाई ये वाली लास्ट चढ़ाई मान लो बहुत ही ऊंची है, ये देखो कितना एकदम से डायरेक्ट नीचे है,
ये देखो भयंकर वाली चढ़ाई है। जय माता की, देख गया भवन भाई, जय माता की। वो रहा सामने भवन, जय माता की। अरे भवन देख लो भाई, दक्की, जय माता की। ये रहा भवन दोस्तों, यहाँ पे अंतिम चेक पोस्ट है, इसके बाद हम घुस जाएंगे भवन की सीमा में। तो यहाँ पे काफ़ी लाइन लग रही है, ये देखे जेंट्स की। तो बस यहाँ पे चेकिंग होके डायरेक्ट अंदर। तो भाई चेकिंग होने के बाद हम पहुँच चुके हैं पार्वती भवन पर। तो इस भवन के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें नहाने की, लॉकर की सारी सुविधाएं हैं, गर्म पानी इसमें है, पूरी डिटेल से हम बताएंगे। और यहाँ पे सामने रहा भैंस शॉप, जहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण प्रसाद ले सकते हैं, ग्रहण नहीं। यहाँ पे जो है 100 रुपये का प्रसाद है, 50 रुपये का प्रसाद है। फिलहाल हम जा रहे हैं धर्मशाला में, देखते हैं जिस धर्मशाला में हर साल रुकते हैं हम, उसी धर्मशाला में कोशिश करेंगे रुकने की। उसके बाद फिर लॉकर वगैरह देखेंगे, फिर दर्शन हम करेंगे कल सुबह। तो धूप आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया धूप निकल रही है। और यहीं से रोपवे का भी है, अभी आपको आते जाते दिख जाएगा। और ये देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये देखो भाई, ये इस तरफ एक बादली सी है, बाकी मौसम बढ़िया हो रहा है भाई। और जहाँ भी छाँव में चल रहे हैं वहीं पर सुनपन हो रहा है। तो फाइनली हम माता रानी के दरबार में पहुँच चुके हैं। सामने आप भवन देख सकते हैं वाइट कलर में। तो इधर ही जाके हम रुकेंगे कहीं। जय माता की। हाँ तो रोपवे के लिए भी बढ़िया भीड़ लग रही है भाई, लाइन लग रही है दबा के रोपवे के लिए। तो ये रहा भाई 26 जनवरी 2024 का नज़ारा। और टाइम हो चुका है 3:35, 3:35 हो गए। ये रोपवे का कहीं खंभे रखे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और इन मोटी मोटी जो तारे हैं इन पे ही जाता है। ये देखिए ये जा रही है रोपवे भाई, ये आ गई। तो ये जा रही है, जय माता की। तो रोपवे भाई ऐसा कुछ जाता है, इसका 100 रुपये किराया था लास्ट टाइम तो आने जाने का, अभी देखते हैं कितना है, उतना ही है घटा बढ़ा जो भी है। तो चलो जी मिलते हैं हम आपको सीधा। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, सामने दरबार वो रहा सामने, जय माता दी। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं वैष्णो देवी अपने भवन पर। तो सबसे पहले हमने आओ देखा ना ताओ देखा, सब कुछ क्रॉस करके, जो आप ये पीछे देख रहे हैं सब कुछ क्रॉस करके, ये हमको धर्मशाला यहाँ पे पता था, मतलब हर साल हम इसी में रुकते हैं। तो यहाँ पे हमको कमरा मिल गया है, फैमिली अंदर बैठ गई, अभी आपको दिखाएंगे कमरे कैसे हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही थी कि धर्मशाला हमको मिलनी चाहिए, जगह हमको मिलनी चाहिए, उसके बाद सारे काम कर लेंगे। तो धर्मशाला फाइनली हमको मिल गई है, बहुत बड़ा कमरा है, एक फैमिली और है उसमें 10-12 बंदे और हम भी 10-12 हैं, तो पूरा कमरा हम दो फैमिली का हो गया। अब इसके बाद बस चाय वाय देंगे, बाहर से लेके आएंगे, फैमिली को चाय वाय पिलाएंगे, थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह। तो चलो मैं एक बार आपको जो हूँ यहाँ की धर्मशाला दिखा देता हूँ, जो हमने अभी बुक किया, बुक तो नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब यार ये तो हर साल हम यहीं पर रुकते हैं। चलो हम आपको एक बार उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो भक्तों इस धर्मशाला का इतना बड़ा आंगन है, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, और इसमें 1, 2, 3 और 4, तो ये 4-स्टोरी बिल्डिंग है। बट अभी भक्तों के लिए जो है नीचे 4 कमरे हैं, ऊपर 4 कमरे हैं, वो स्टाफ है, नीचे ही 4 कमरे बचे हैं। क्योंकि हम हर साल जब भी यहाँ लगभग 10-12 साल से आते हैं, तो हर बार हम यहीं पे रुकते हैं। तो चलो एक बार अंदर से आपको कमरा दिखा देते हैं कैसा है। लो भाई ये रहा अंदर कमरा कुछ ऐसा, तो भक्तजन सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, कंबल वगैरह तो शाम को मिलेगा वो लेके आ जाएंगे हम, अभी बस सब बैठ गए यहाँ पे। हमने अपनी जगह कर ली है कवर, इधर ये दूसरी फैमिली है और इधर हमारी फैमिली आ जाएगी। तो काफ़ी बड़ा रूम है, सारे बैग हमारे ये रखे हैं इधर, गर्मी के लिए पंखे लगे हुए हैं भाई इसमें, बाकी काफ़ी बड़ा रूम है ये देखिए। तो ये देखो इसका चेहरा कैसा हो रहा है, देखिए चेहरा दिखाओ बेटा अपना, वीडियो में आ जाएगा है ना। ये देखो गाल इसकी पूरी सूज रही है यहाँ से, देखो उधर, इधर करो मेरी तरफ, मेरी तरफ, हाँ ये गाल सूज गई इसकी पूरी। ये बच्चे का मुंह सूज गया, मतलब आज अर्धकुंवारी पे थे हम नाइट में, तो कल रात तक तो ठीक था, बट सुबह से अब ये सूजता ही चला गया। दांत में दर्द तो नहीं बता रहा? नहीं, ये हिस्सा सूज रहा है, ये हड्डी जो ऊंची हुई है, फिर लगी तो नहीं इसको? लगा तो कहीं कुछ नहीं, खुद देखो, हाँ हमने टच किया, हाँ। ये हड्डी आज ही नहीं लगी हुई, चोट लगी हुई है इसको, चाहे इसके नोज कहीं कंधे में लगा या कुछ ऐसा, देखो ना अच्छा, ये वाले, हाँ ये हमें फील होता रहा है, लेकिन इसको दर्द नहीं है इसकी? हाँ, जी दर्द नहीं है, हाँ देखो हाथ से टच जैसे आपको फील होगा ऐसे मुझे होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे के लिए हम रिस्क नहीं लेंगे, इसको एंटीबायोटिक कवर में डाल देते हैं।
ठीक है, लेकिन आप एक बार ईएनटी वाले डॉक्टर को। अच्छा अच्छा, ये नीचे से दी थी। हाँ जी, खानी सुबह शाम दो। अच्छा ठीक है, पाँच पाँच दिया था। नहीं बस यही है। और फीवर तो नहीं है, क्योंकि गर्म भी लग रहा है। नहीं है, लेकिन उसको अगर दर्द का होगा ना जी। दक्ष ठीक है जी, अगर दिन में तीन बार दे सकते, ठीक है जी। जख्म है या सोजिश है जी। अच्छा, बाकी एंटीबायोटिक ठीक है, ये वाली सुबह शाम। तो भाई डॉक्टर के यहाँ से हम आ गए हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मे भी इसको कहीं चोट चाट लगी होगी कहीं, कि ये पहले की चोट है जो अब दिखा रही है असर सर्दियों में। तो उसने भाई एंटीबायोटिक हमने रास्ते में से ले ली थी, और बाकी अभी एक सूजन की और दर्द वर्द की उसने दे दी है। तो तीनों टाइम देना है इसको दवाई को, जो दर्द या सूजन की है। बाकी देखते हैं कल सुबह तक कैसा रहेगा। अभी डॉक्टर को तो दिखा दिया हमने, यहाँ पर बुखार है नहीं इसको। तो बस भाई ये माता रानी ठीक रखे सभी को, दक्की को भी जय माता की। तो भाई दवाई हमने दक्ष को दे दी है, जो कि सूजन और दर्द वगैरह की दी, पैरासीटामोल और आइब्रोफेन का मिश्रण है जो दवाई है। बट वो हमारे पास भी है, अब जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं जैसा वो बोलते हैं वैसे उसके अनुसार ही चलना चाहिए। बच्चों का मामला है, नहीं तो पैरासीटामोल आइब्रोफेन हमारे पास भी है। और भाई देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि दक्ष की सूजन कब उतरे चेहरे पे से। और इसी के साथ साथ मैं दिखा देता हूँ माता रानी का भवन कैसा दिख रहा है यहाँ से। 5:40 हो चुके हैं और धर्मशाला बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई नहीं है हमारे सिवा, बस दो चार बंदे अंदर हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल हम हर साल इसे धर्मशाला में रुकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। ये फैमिली हमारी यहाँ पे खड़ी है, दक्ष हमेशा गोदी गोदी में रह रहा है क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं है, अलग ही बिहेव कर रहा है। और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा है, ये सामने जो आप लाइन देख रहे हैं ये रोप वे की लाइन है, तो यहीं से रोप वे वगैरह सब जा रहा है। और सूरज भी छिपने वाला है, 5:40 हो चुके हैं। तो भाई सूरज आप देख सकते हैं बिल्कुल छिपने वाला है, थोड़ी देर बाद डाउन हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। तो ज़ोर से बोलो जय माता की, जय माता की। और भाई जैसे ही सूरज छिप गया तो ठंडी ठंडी हवा और ज़्यादा ठंडी हो गई, सुन्नपन हो गया बिल्कुल एकदम से। तो भाई ये नई बिल्डिंग बनी यहाँ पे दुर्गा भवन, जब हम आज से 6-7 पहले आए थे इस जगह से, जो है त्रिकुटा पर्वत जो है नाग फने वाला पर्वत है ये पूरा दिखता था, लेकिन अब ये सारा बिल्डिंग इसमें दुर्गा भवन आ गया है यहाँ पे। इसमें भी फ्री धर्मशाला है, मतलब फ्री स्टे कर सकते हैं आप। ये देखो गाइज, इसकी गाल जो है ये सूज रही है यहाँ से, ये हार्ड हार्ड लग रहा है पूरा एरिया, और इसकी जो है सूजन यहाँ पे आँख पे भी चली गई। तो दवाई दे दी है, देखते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं 2-4 बाद कैसा रहेगा, फील हो ही जाएगा हमको कम ज़्यादा जैसे भी हो रहा है। तो भाई ये जो है बिल्कुल काले पहाड़ हैं, अलग ही दिख रहे हैं, काले काले, पता नहीं क्या परछाई सी पड़ी, लेकिन रंग इनका पूरा काला है। जय माता दी दोस्तों, आज है 26 जनवरी और हमारी शादी की सालगिरह है भाई। तो शादी को जो है पूरे 9 हो गए आज पूरे, और इस उपलक्ष्य में है माता जी के दरबार में, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। माता रानी का हमें आशीर्वाद मिलेगा यहाँ से। तो भाई 9 पूरे होने के खुशी में हम माता के दरबार में आए हुए हैं। तो ज़ोर से बोलो जय माता की। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, 9 पूरा होने पे शादी की हम अपने माता रानी के दरबार में है। संजराम लेके आया चॉकलेट एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। चलो भाई बच्चों को बांट दो पहले। जय माता की। तो भाई माता के दरबार में आज हम जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसी छोटी मोटी जो भी है। तो आप सभी को हमने कमरा दिखाई दिया था, फ्री की धर्मशाला हमें यहाँ पे मिली हुई है, कंबल भी मिल चुके हैं, हालांकि अभी 3-4 कंबल ही हैं। ये रहा भाई दक्की, आओ भाई साहब दक्की देखो कैसा कर रहा है चॉकलेट के लिए। अरे जय माता की। जय माता दी भक्तों, तो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहा हूँ। अभी बज चुके हैं रात के 11:12, और आप थोड़ा बहुत चौंक गए होंगे कि मैं पहले कहाँ था। तो पहले धर्मशाला इसी के जस्ट बराबर में थी, तो हम पहले वहाँ पे रुके हुए थे, फिर हमें पता चला, पता तो था हमें इसका दुर्गा भवन का कि यहाँ पे भी खाली जगह है। तो फिर जैसे ही 7:30 के आसपास ये खुली तो हम भाग के यहाँ पर आ गए, क्योंकि उस टाइम पर बिल्कुल खाली थी ये, और बाद में धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। अब देखिए बाहर भी लेटे हुए हैं,
और इधर भी बैठे हुए हैं, देखो खड़े हैं, और हमारा अपार्टमेंट ये रहा यहाँ पे, तो सब लेटे हुए हैं। आपको यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, ये देखो हमारे बंदे सारे इस लाइन में पड़े हैं, वो मुनेस है उससे उधर उधर पड़े हैं। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, इधर लॉकर है, ये बैग वैग जूते जिसको रखने हैं। तो ये है दुर्गा भवन, शाम को 7:30 बजे खुलता है। कंबल यहाँ मिलेंगे फ्लोर नंबर 4 पे, तो 100 रुपये कंबल आपको लेने पड़ेंगे, और फिर रिफंडेबल होता है, सुबह को जमा कर दो। और इसके थर्ड और फोर्थ फ्लोर तो फ्री हैं, बाकी नीचे देखे सेकंड और फर्स्ट ये वाला, तो यहाँ पे है ये बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग वाला जो भी है, इनमें फ्री कुछ नहीं है। तो काफ़ी बंदे आ जाते हैं इसमें, ये ऊपर फोर्थ है, ये थर्ड है, और ये सेकंड है, और ये नीचे फर्स्ट है। तो बस यही था, फ़िलहाल हम अब सोने वाले हैं, खाना पीना हमारा हो गया, कल हम दर्शन करेंगे। और बाकी इसका ओवरव्यू मैं बाहर से दिखाऊंगा सुबह को। इस ब्लॉग को तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, और बच्चे बच्चे ठीक है सब। बस दक्ष की आइज़ पे सूजन आ गई, पता नहीं क्यों, देखते हैं, डॉक्टर ने दवाई तो दे रखी है, अभी तक थोड़ा सा फ़र्क लगा था। और ये सामने हर एक रो में जो है ऐसे लेडीज जेंट्स बाथरूम है, वहीं पे नहाने का भी है, गीज़र गर्म पानी मिलेगा आपको। नहाने का समय है सुबह 4 से 7 तक, शाम को है फिर 6 से 8 तक, तो यही बस 2-3 घंटे का टाइम है। तो चलो गाइस, दोस्तों भक्तों, मिलते हैं आपको कल सुबह, कल हम सुबह दर्शन करेंगे। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं आपको कल सुबह, बाय बाय। तो ये भैया कुछ ऐसे है यहाँ पे, सब लेटे हुए, ये देखिए सब स्लीपिंग मोड में है, बस एक दो ही जाग रहा है। ये इधर मुनेश है, संजय है, नव्या, दिव्या, भाभी जी, माता, सब लेटे हुए इधर, दक्की, मन्नू। चलो दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।